एक के बाद एक फ्लॉप दे रही बॉलीवुड इंडस्ट्री के साथ ऐसा क्या हुआ कि अचानक से बॉलीवुड की फिल्में हजारों करोड़ों कमाने लगी। जानेंगे बॉलीवुड के कमबैक की सच्चाई और भारत के व्लॉगर्स की ऐसी सच्चाई जो आप नहीं जानते होंगे। और सीप के अंदर मोती कैसे बनते हैं आज दिखाएंगे। मोती के बनने की पूरी प्रक्रिया जानने के लिए बने रहिएगा आखिर तक। फैक्ट नंबर 12, इंडिया में बॉलीवुड मूवी पिछले कुछ सालों से अच्छे से कमाई नहीं कर रही थी, लेकिन ऐसा क्या हुआ जो 2023 में अचानक से अच्छे दिन आ गए, ये हम बोल सकते हैं। बॉलीवुड का कमबैक हो गया तो साल की शुरुआत में ही शाहरुख खान की पठान आई जिसने हजार करोड़ का बिजनेस किया। उसके बाद आई गदर 2 जिसने 700 करोड़ का बिजनेस किया और साल के एंड में जवान ने बहुत अच्छी कमाई की, जिससे हम कह सकते हैं कि बॉलीवुड का कमबैक मासी मूवीज की वजह से हुआ है। और भी अच्छी मूवीज लाइक OMG 2, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, इस मूवी ने भी फैंस को बांधे हुआ है, जिससे हम कह सकते हैं कि हां बॉलीवुड का कमबैक हो चुका है। फैक्ट नंबर 11, इंडिया में ब्लॉगिंग यूट्यूब पर सबसे ज्यादा देखे जाने वाला जोनर है, लेकिन हम जितनी किसी ब्लॉगर को अमीर समझते हैं वो असलियत में उतने अमीर नहीं होते। आपने अपने फेवरेट ब्लॉगर्स को नई नई गाड़ी लेते हुए देखा होगा, लेकिन वो उस गाड़ी को अपने चैनल पर 5 से 6 महीने तक ही दिखाते हैं। ये एक कंटेंट साइकिल है जिसमें वो हर 5-6 महीने में एक नई कार खरीदते हैं और उस कार पर बहुत सारी वीडियोस बनाते हैं, जिससे वो अपने चैनल पर उस कार की वीडियोस से इतना पैसा कमा लेते हैं जिससे उस कार के पैसे भी निकल जाए और कुछ महीने बाद वो फिर एक नई कार ले सके। ये एक कंटेंट ट्रैप है जो कि हर एक ब्लॉगर यूज करता है। फैक्ट नंबर 10, ये तो आपको पता ही होगा कि मोती समुद्र के अंदर पाए जाने वाले सीप में पाया जाता है, लेकिन मोती सीप में बनता कैसे है ये आप नहीं जानते होंगे। चलिए इसी बारे में आपको बताते हैं। असल में समुद्र के अंदर जब कोई बाहरी परजीवी या एलिमेंट सीप के अंदर जाता है तो सीप को उनसे काफी डर लगता है और वो उनके पास नेक्रे नामक एक पदार्थ को रिलीज करना शुरू कर देता है। और इसी तरह धीरे धीरे 2 से 2.5 साल में यह मटेरियल रिलीज होते होते मोती का आकार लेकर मोती बन जाता है। फैक्ट नंबर 9, हरियाणा का एक पहलवान जो कि बिना रुके और बिना थके 11,000 सपाटे लगा लेता है, और इतना ही नहीं ये 48 घंटे तक लगातार वर्कआउट भी कर लेता है। टार्जन के नाम से जाने वाले इस शख्स को एक अमेरिकी कंपनी ने ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए 5 करोड़ देने का ऑफर दिया, पर फिर भी इसने उसे ठुकरा दिया। ये पहलवान अपनी सेहत और अपनी बॉडी के लिए कितना डिसिप्लिन रहता है इस बात का अंदाजा भी इसी से लगा सकते हैं कि टार्जन के नाम से जाने वाले इस पहलवान ने मात्र 8 साल की उम्र में ही अनाज खाना छोड़ दिया था, और तब से लेकर आज तक ये केवल फल, ड्राई फ्रूट और दूध दही जैसी चीजें खाकर ही अपना दिनचर्या पूरी करता है, और यही कारण है कि फुर्ती और स्ट्रेंथ के मामले में इसका कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। फैक्ट नंबर 8, साउथ कोरिया काफी अजब गजब देश है जहां आप कुछ चीजें देखकर भी अंदाजा लगा सकते हैं कि यह कितना अजीब है। यहां की लड़कियों की बात करें तो अगर आपको कोई लड़की ऐसी दिखाई दे जो कि लंबे बाल रखती हो तो इससे आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि वो पार्टनर की तलाश में है। साथ ही छोटे बाल रखने वाली लड़कियां ऑलरेडी रिलेशनशिप में होती हैं, लेकिन आप ये भी मत सोच लेना कि सभी लड़कियों के एक साथ ऐसा ही होता है, पर अधिकतर लड़कियां ऐसी ही करती हैं। और अगर आप साउथ कोरिया में ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हो तो आपके कंधे के ऊपर कोई सिर रखकर सो जाए तो आपको उसे सोने देना होगा, क्योंकि साउथ कोरिया में ये नियम है, क्योंकि वहां ज्यादा काम के चलते लोग काफी थके होते हैं। फैक्ट नंबर 7, अब दोस्तों हम आपको कैलिफोर्निया के कुछ ऐसे लोगों से मिलवाते हैं जिन्होंने मस्ती के लिए गूगल मैप तक को भी नहीं छोड़ा। दरअसल गूगल मैप की 3D व्यू कैप्चर करने वाली गाड़ी जब इनके सामने से गुजरती है तो ये ऊटपटांग तरीके से हरकतें करते हैं, कोई मरने की एक्टिंग करता है तो कोई इनमें से कुछ लोग तो दूसरों को मारने तक की एक्टिंग करते हैं। खैर ये लोग जब अपनी हरकतों के बाद गूगल मैप पर अपनी लोकेशन देखते हैं तो ये अपने आप को उसी हाल में पाते हैं जैसा कि ये उस टाइम हरकतें करते हुए रिकॉर्ड हुए थे। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें और अपना पसंदीदा फैक्ट कमेंट करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। आपका एक शेयर हमें मोटिवेट करता है ऐसी ही और वीडियोस बनाने के लिए। धन्यवाद।